Good morning, students. Rightly Vidya Mandir के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट और क्लास 11 का ग्रामर है उसको सीख रहे हैं, जिसमें हमारा जो लर्निंग में टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं या केवल नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको जैसा कि पता है, अभी हम जो कल पिछले वीडियो में हमने देखा था वो आपका प्रेजेंट है जो था वो कौन सा चल रहा है, ठीक है। वो देखते जिनमें हमने सबसे पहले हेतु वर्ष से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को कल अध्ययन किया। आज हम थोड़ा सा उन्हीं के एग्जाम्पल या फिर इसके स्थान पर वेद का प्रयोग भी कर सकते हो। मैंने बताया जो भी सेंटेंस को वापस कर लेंगे असत्य, असत्य को बदलने का तरीका भी क्या, पहले कर्ता को लिखेंगे बाद में साइकिल, या आपको कम कर्ता को चेंज करते हैं। यू आर का सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ऑफ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी और जिसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। अगर आस्क मी इफ आई, यू को मी के अनुसार चेंज किया तो आई आ गया बहुत आसान। अस होता तो मी आ जाता, हिम होता तो ही आ जाता, हर होता तो सी आ जाता, देव होता तो दे आ जाता। कोई लड़की का नाम होगा तो डी आ जाएगा, लड़की का नाम है तो कोई सी आ जाएगा, मदर है तो सी, फादर है तो डी, सिस्टर है तो सी, ब्रदर है तो डी, ठीक है। ये कोई कॉमन आ जाएगा, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है तो आप ही भी लगा सकते हो या सी भी लगा सकते हो, प्लेयर है तो डी या सी कौन लगा दो, लेकिन प्लेयर से आगे आपको क्या लगाओगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डी आप देखें है के साथ बल्कि थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आपको पता है पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब योजना क्या है, और बल्कि वहाँ भी आपको कौन से उत्तर मालूम है। योर आपका सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका मी है, तो मी का पजेसिव केस आपको लगाना होगा तो क्या हो जाएगा माय। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, आपको आपका सेंटेंस जो है वो कैसा हो गया है, असली हो गया है। Were you going to play hockey? ठीक है ना? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
राधा सेट टू क्या कर देंगे आस्क, उसके बाद बताएंगे टू भी फिर इतने की आवश्यकता नहीं होती। इसको होता कि क्या राज किया ये फिरा बेहतर वर्क बहुत या वर्क के साथ वर्किंग फर्स्ट फॉर्म है आई जी है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको बनाएंगे कि असर्टिव असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे यू आपका सेट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आपको बताया था मैंने कि आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन वो चेंज है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इस प्रकार से आपकी चेंज होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होता आई होगी तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते रहेंगे यहाँ तो सेकंड पर्सन है था जिसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके ऑब्जेक्ट आपका है क्या होगा क्या होगा दे। अब देखना वर्क गोइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में साइन क्या क्या लिखती है आपको याद करना होगा बिल्कुल ठीक हैड बीन क्या लिखती हैड बीन बल्कि हम फर्स्ट फॉर्म में आने लगेगा तो मेरा गोइंग इन्फिनिटिव में कोई चेंज करते रहेंगे टू प्ले का टू प्ले रहेगा फॉर्मूला का ऑब्जेक्ट है वो भी रहेगा या कुछ समय का भी आप क्या लगा देंगे फिर स्टॉप लगा देंगे सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है हर तो हर का आपको यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा सी। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे आपका टेंस कौन सा है यहाँ पे वर आया है एब्सेंट है स्टडी है तो इसे कंटिन्यूस नहीं कह सकते क्योंकि कंटिन्यूस में तो वॉज या वर्ब के साथ एक मेन वर्ब आती है तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आएंगे इसका मतलब ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब है ये क्रिया का काम कर रही है तो ये टेंस आपका सिंपल पास्ट रहेगा क्या रहेगा ये सिंपल पास्ट रहेगा और अब पास्ट जो सिंपल जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि यहाँ पे सर हेड ले रहे हैं जबकि मैंने जो टेंस का चार्ट आपको बनवाया था मैंने कहा था कि वॉच पर जब आएगा तो उसको आप हेड बीन में बदलेंगे तो फिर बीन कहाँ से आएगा ठीक है तो आपको बता दूं ऐसे तो वॉच पर आने पे आपको हेड बीन करना है लेकिन आपको समझ के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है जिससे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड भी लग जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल होगा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और क्योंकि मुक्ति क्या दोस्त यहाँ पे वर्क काम कर रहा है तो इस वर्क मैन पर वैसे थर्ड फॉर्म में लगानी पड़ेगी ये बी के रूप होते हैं आपके फर्स्ट फॉर्म होती है एच एम आर सेकेंड फॉर्म होती है इसमें वॉच यहाँ पर और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बी तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म एक पासिबल नहीं आती है जो यहाँ पे आ रही है हमें अब क्या करना है थर्ड फॉर्म करना है तो हेड का क्या लग जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े होने पर क्या लग गया हेड बी लेकिन लग इस प्रकार से क्या बस वो ध्यान देने की बात है हमने यहाँ पे हेड लगाया पास्ट परफेक्ट का और इसकी थर्ड फॉर्म कर दी और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एब्सेंट और स्टडी हो जाएंगे भी और
दैट एब्सेंट ऑफ यू रहेगा एंड इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस डे. ठीक है. और ये हम आपको लगा रहे हैं कपिल सेड टू इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप कैसा बनाएंगे, आप असर्टिव बनाएंगे और असर्टिव बनाने से पहले यू को चेंज करेंगे. यू सेकंड पर्सन में चेंज होगा प्लेयर्स के अनुसार. कि वजह से प्लेयर होता तो ही असी कह सकते थे. कई प्लेयर्स हैं तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे. देखा किसका प्रयोग कर देंगे. देखा अब देखना है डेट नॉट गो यानी डेट लग जाता है टेंस कौन सा हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है स्टूडेंट्स हम हैड लगाते हैं और उसके बाद नेगेटिव है नॉट. और पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट नहीं बल्कि अगर फॉर्म रखती है आपकी शर्त तो गो का हो जाएगा नॉट टू प्ले पहले मैं चाहूंगा कि आप भी इसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें कि इसको किस प्रकार से बदला जाए. ठीक है ना. उसके बाद इसको हम भी देख लेते हैं. देखें आपने कर दिया होगा साथ साथ कर रहे हैं. सबसे पहले क्या किया है ना प्रकार से आपके जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से हैं. इनके एक दो रूल्स भी आपके इसमें आते हैं कि रूल से शुरू होता है वाक्य में नॉट नहीं आएगा तो उसके लिए रूल है या रूल से शुरू होने के बाद वाक्य में नॉट आएगा तो उसका लिए रूल है. उन सभी रूल्स को हम अगले लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको समझ में आए होंगे. आपका जो ड्यूटी है जो आपका कार्य है वो ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हों उनका आप एक्सरसाइज जो है वो निश्चित रूप से घर पर लगाएंगे तो आपके रूल्स जो है वो कंटेस्ट होते चले जाएंगे और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा. ठीक है. और इसका जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक आप पढ़ते रहेंगे.